दोस्तों, ये है हमारा कॉलेज, KSBD PG कॉलेज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस शिवांगी अनुराग में। आज हम लोग अपने कॉलेज आए हुए हैं और जहाँ से हम लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। हमारा कॉलेज बहुत ही सुंदर है, पूरा लगता है पूरा ग्रीन सिटी में बसा हुआ है पूरा। ठीक है, फॉर्म भरा जा रहा है मेरा। क्या एज क्या? देखिए, फॉर्म भर चुका है, जा रहा जमा करने। ये हमारा कॉलेज था। ये देखिए, ये लोग आ रहे इधर। क्या हुआ, कुछ बोलना चाहोगे कंचन सिंह गोली देव के बारे में? नहीं, कॉलेज अच्छा है, काफी अच्छा कॉलेज है, हरियाली है। आप लोग चाहते हैं एडमिशन लेके पढ़ भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं खूब, पर दोस्त नहीं नजर आएंगे। थोड़ा आउट में है ना, खाली है, सुनसान है, टीचर तो है, स्टूडेंट नहीं है। ये देखिए, एक स्टूडेंट पकड़ के ले आए हम लोग, बाकी आप इसका लोकेशन देख लीजिए। हेलो गाइस, आप लोगों ने देख लिया हम लोग कॉलेज कैसा था, और बताइए कैसा लगा आपको। शिवांगी देखिए, इनको इनकी पुरानी याद ताजा हो गई ना। कैसा लगा कॉलेज आके अपने? सच में तो बहुत अच्छा लगा इनको। देखिए गाइस, कॉलेज का पूरा काम खत्म करके हम लोग अब घर की तरफ जा रहे हैं, और हमारे साइंटी भाई साहब देखिए चला रहे हैं गाड़ी, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। इनके हाथ में चाहे आप जैसे भी गाड़ी दे दीजिए, अच्छी तरह ड्राइव कर लेते हैं, चाहे अंधी हो लूली अंधी हो लूली हो लंगड़ी हो, आप जैसे भी गाड़ी आप इनको दे दीजिए, ये काफी अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं। हम लोग गांव एरिया से निकल रहे थे तो देखा मधुमक्खी का पालन यहाँ पे किया जाता है, तो आइए आपको दिखाते हैं और इनसे थोड़ा कुछ बात करते हैं कि मधुमक्खी पालन कैसे होता है, कैसे ये लोग करते हैं। यहाँ शहद निकाला जाता है, अब अगले महीने शहद निकलना चालू हो जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये अलग फरे, ये वाले जी आते हैं, ये छोटे परिवार है। हाँ, ये तीन फरे में ना, ये छोटा परिवार।
इसमें 8 फ्लेवर आते हैं। अच्छा, ये वाली जो है, ये वाली देंगे तो वो जा करके सबसे तैयारी करेगा। अच्छा, आप ऐसा बना के देते हैं, इसी में वो लोग अपना सिक्का बनाते हैं। ये खुलाता है, ये जो है ये मोम का होता है, मतलब कि मधुमक्खी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सब पेटी में एक एक रानी है। अच्छा, यानी इस पूरी एक पेटी में एक रानी केवल। और वो रानी मक्खी कहाँ से पकड़ते होंगे आप लोग? रानी जो है इसी में वो तैयार होगी। इसी में तैयार होगी, यानी कि जब इसको निकालेंगे तो रानी को किनारे कर देंगे। नहीं, रानी और मधुमक्खी जितना जो है इसका। अच्छा, सोने के नल पर होते हैं। अच्छा, ये भी एक कलाकारी है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यही रानी है, ये जो सबसे बड़ा। अच्छा, ये देखिए ये रानी मक्खी है, ये देखिए ये रही है रानी मक्खी। अच्छा, ये पीछे से अटैक करता है। अगर डायट इस पर अंगूठी डाल करके जल्दीबाजी में घिंचिएगा, ये दौड़ता है अंगूठी। अच्छा, रानी मक्खी। अच्छा, सब में रानी नहीं, मक्खी ये वर्कर। अच्छा, वर्कर ना, ये सब वर्कर। तो हर महीने के आखिरी में शहद इसमें से निकलता है? नहीं, साल में जो है 4 बार इस साल निकलता है, और 8 महीना जो है इसको पूरा बरसात जो है शक्कर खिला कर बचाना, यानी बरसात से ज्यादा धूप से ठंडी सब बचाना पड़ता है, सबसे बचाना। आपको इससे जैसे क्या फायदा होता है? तो अपने फील्ड से अपने खुद मक्खी चलाएगा। अच्छा, पेटी रखा हुआ है ना, सबका अपना अंदाज है कौन पेटी में हमको घुसना है। अच्छा, कौन पेटी से निकले हैं, दूसरा पेटी में घुसेगा तो दूसरा पेटी में जाएगा उसको मार देगा। इनको अपनी अपनी पेटियां पता है, पता कि हमको इसी पेटी में 3 किलोमीटर का रेंज। 90 दिन में इनको मरना भी है। 90 दिन में नहीं मरेगा तो बहुत हो जाएगा, तो इसे रखने का कुछ नहीं। इसको कटने से जो है ना फायदा ही है, हानि नहीं है इसको कटने से। अच्छा, ये ग्लास में क्या रखते हैं? चीनी है, चीनी डाल। बच्चा किसके लिए? इसका बच्चा है ना, इसको खिलाएंगे तो मर क्या में इसका आते हैं ना, सिर्फ बचेगा। अच्छा, बचारा बचा सकते हैं केवल तेरे पे ज्यादा करके ये अच्छा। और बड़ी वाले जो होते हैं पत्थर मार दो तो पीछे पड़ जाते हैं, उस तरह ये पड़ती हैं। नहीं, ये नहीं, वो ऐसे तो इनको जब तक छेड़िए नहीं तब तक। चलिए दोस्तों, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और हम लोग देख लिए बाकी 25 के बाद आके आपको सारा डिटेल देंगे कैसा है, निकलता है कैसे नहीं। यही भैया मिलेंगे हम लोग को दोबारा। तो हम लोगों ने मधुमक्खी के बारे में कितना कुछ जाना, और किस तरह छोटी सी मधुमक्खी उनके अंदर भी दिमाग होता है, समझ होती है कि वो मतलब सब कुछ अपना देखती समझती है, उनका कौन सी पेटी है, उनको किस किधर जाना है, किस पेटी में घुसना है, उनको सब पता रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।